अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 8 दैट इज़ थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। सो बेसिकली पहले भी जो हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के स्केलिंग यूज़ करते हैं वो क्या होती है कि टू पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है। टू पॉइंट किस तरह से कि एक हमने टेम्परेचर लिया होता है किसी एक पॉइंट पे, या हम उसे इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, और एक लिया होता है सेकेंड पॉइंट पे जिसको फाइनल पॉइंट भी हम कह सकते हैं। इन दो पॉइंट्स पे जब हम टेम्परेचर को लेते हैं तो हम इसके साथ साथ ये मस्ट देखते हैं कि उस टाइम पे उस मटेरियल की फ़िज़िकल स्टेट क्या है। क्या मतलब है कि लेट्स सपोज़ अगर हम जस्ट वाटर की बात करें तो वाटर में हम कहते हैं एक 0 डिग्री और एक 100 डिग्री सेल्सियस। हम कह देते हैं कि यहाँ पे वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स इससे आगे जो है वाटर गैशियस स्टेट में पाया जाता है और पहले किस में होता है, लिक्विड में। सो यहाँ पे जो स्टेट आ गई वो क्या आ गई कि लिक्विड टू गैस में हम वाटर को चेंज कर सकते हैं जब इसकी बॉइलिंग की जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इट मीन्स कि हमने एक टेम्परेचर सेलेक्ट कर लिया है, लेट सपोज ये फाइनल था T2। इसी तरह से अगर हम देखें तो 0 के बाद जो है 0 से पीछे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले ये लिक्विड स्टेट में होता है वाटर। सो ये क्या है, उस टाइम पे वाटर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम कह रहे हैं तो ये उसकी फिजिकल स्टेट आ गई, और लेट सपोज T1 कंसीडर किया हुआ तो ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर आ गया। सो जनरली जो हम कैलकुलेट करते हैं अगर हम कोई स्केलिंग करना चाहते हैं टेम्परेचर की तो इसी तरह करते हैं कि टू पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उन टू पॉइंट्स पे दोनों जो है T1 और T2 कैलकुलेट करते हैं, यानी टू टेम्परेचर्स कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर की वैल्यू, और हम देखते हैं कि उस टाइम पे जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ से एक इंडिपेंडेंट स्केलिंग करें जिसमें हमें चाहे वो चीज़ लिक्विड फॉर्म में है, चाहे गैस में है, चाहे सॉलिड में है, तो फिर हमें ये बिल्कुल भी ना करना पड़े कि हमें हर दफ़ा में ये चीज़ मेंशन करनी पड़े कि अब हम इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहे हैं, या स्टेट जो है वो इफ़ेक्ट ना करें। उसके लिए क्या किया है कि थर्मोडायनेमिक स्केलिंग का एक सिलेक्ट किया हुआ है जिसके थ्रू फिजिकल स्टेट को हम ख़त्म करके उसको निगलेक्ट करके टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें भी क्या होगा कि जो टेम्परेचर को हम फाइंड आउट करेंगे नो डाउट उसके लिए हम टू वैल्यूज़ लेंगे टेम्परेचर के डिफरेंट पॉइंट्स पे, लेकिन जो एक टेम्परेचर की हम वैल्यू लेंगे वो होगी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, और वो अभी हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा होगा, और एक जो है हम लेंगे कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू स्मॉलर वैल्यू या एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब हम इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो कि बेसिकली हमारी थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मस्ट है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कार्नोट इंजन की। कार्नोट इंजन में उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए एक फार्मूला डिस्कस किया था जिसमें एफिशिएंसी η1 - Q2/Q1 इस तरह से रिप्रेजेंट की गई थी। इसमें क्या था कि जो Q है और Q2 है, Q1 है, ये हमें क्या बता रही थी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है, और सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा था, तो इस टाइम पे हमारे पास किस तरह की हीट आ रही है, आइदर वो एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है। अब अगर हम देखना चाहें कि ये क्या जो हीट है इसका कोई लिंक बन रहा है टेम्परेचर से, तो बनता है, क्यों नहीं बनता। किस तरह से कि अगर हम हीट लेते हैं, हीट बढ़ा रहे हैं किसी सिस्टम की, उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं, ये जब इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करेंगे तो ही जो है उनका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इट मीन्स जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। सो अगर यहाँ पे Q हीट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि जो हीट है वो T के भी प्रोपोर्शनल है। जितनी हीट अप्लाई करते जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, eta equals to 1 minus T2 over T1। अगर हम ये चीज़ ले रहे हैं तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे Q2 ओवर Q1 को रिप्लेस कर दिया T2 ओवर T1 से। बाकी अगर देखें तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इट मीन्स Q2 ओवर Q1 की जगह अब किसके इक्विवेलेंट आ चुका है टर्म T2 ओवर T1। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर मेंशन किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, और अगर हम एक्यूरेटली इन पॉइंट्स पे टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि थर्मोडाइनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर को बता सकते हैं कि वो क्या है। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ये वो वाले पॉइंट हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक हम स्पेसिफिक पॉइंट लेंगे और एक कोई भी उससे स्मॉलर टेम्परेचर पे हम उसकी कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर की वैल्यू, या वो एब्सोल्यूट ज़ीरो भी हो सकती है। अब जो हम स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक पॉइंट को ले रहे हैं, लेट्स सपोज वो हम टेम्परेचर T1 को ले रहे हैं। टेम्परेचर T1 को हमने कहा कि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है और वो स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का क्या मतलब होता है? अगर हम वाटर की बात करें, एक ग्राफ को देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास कुछ ग्राफ है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हैं वेपर्स, या इसको हम गैसियस स्टेट भी कह सकते हैं, ये है लिक्विड, ये है हमारे पास सॉलिड। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किए हुए। अब क्या है कि अगर इस पॉइंट पे जाके देखेंगे, हम इस पॉइंट को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटली लिक्विड हमें नज़र आ रहा है। इसका कोई अमल दखल नहीं है कि इसमें थोड़ा पोर्शन सॉलिड का प्रेजेंट हो, थोड़ा गैशियस फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये पॉइंट से सिर्फ एक सिंगल स्टेट पे आ रहा है, लेकिन इसी में अगर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो इस पॉइंट में यहाँ पे कुछ सॉलिड का पोर्शन भी है, कुछ लिक्विड का पोर्शन भी है। तो दो फॉर्म्स जो है एट अ टाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी तरह से एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं वाटर की, और वो जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं वो लेट्स सपोज यहाँ पे वेपर्स भी हैं, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में भी है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में भी है, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में भी है। तो वो पॉइंट जहाँ पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही हों, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ही होता है, उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब ये ट्रिपल पॉइंट जो पाया जाता है वो है 273.16 केल्विन पे। इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को हम क्या लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट लेते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है। अब चूंकि हमने यहाँ पे तीनों स्टेट्स को डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे वेपर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड भी हो सकता है, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है। सो क्या होगा कि अब हमें बार बार फिजिकल स्टेट बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसीलिए हम स्पेसिफिक पॉइंट यानी ट्रिपल पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें बार बार किसी भी स्टेट को मेंशन करना ना पड़े। सो अगर हमने यहाँ पे T1 को ये सिलेक्ट कर लिया है तो T1 किसके इक्वल आ चुका है यहाँ पे आप Q1 T2 ओवर 273.16। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये T2 अगर फाइंड आउट करना है, हम सिंपली इसको दूसरी साइड पे ले आते हैं, और अगर दूसरी साइड पे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, T2 इक्वल्स टू 273.16 Q2 ओवर Q1। अब ये जो टेम्परेचर है ये कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जिस तरह के एब्सोल्यूट ज़ीरो भी हो सकता है, यानी कि 0 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करें तो वो इस पॉइंट से थोड़ा कम हो जाए केल्विन्स में, ठीक है। तो कोई भी हम पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम इस T2 को, जो के बाद में हम सिलेक्ट करेंगे उस पूरे सिस्टम को देखने के बाद कि जब हमने हीट अप्लाई कर दी या हीट को निकाल लिया तो किस टेम्परेचर पे हम लेना चाह रहे हैं वो हमारी अपनी मर्जी होगी। सो लेट्स सपोज अब हमने इस T2 को सिंपली T कह दिया है, तो यहाँ पे अब हम कर देते हैं T इक्वल्स टू 273.16 Q2 ओवर Q1। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है जो कि क्या बताएगा, थर्मोडाइनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर बताएगा कि अगर आप हीट किसी सिस्टम को दे रहे हो या उस सिस्टम में से हीट निकाल रहे हो, तब उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आप टेम्परेचर में ये करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर कितना होगा। अब अगर हम देखना चाहें कि इस टेम्परेचर का जो है क्या यूनिट हो सकता है, तो Q2 क्या है, हीट है जो कि एब्जॉर्ब भी हो सकती है या रिलीज भी हो सकती है। Q1 भी वो हीट है जो कि एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स पे क्यों लिया, क्योंकि हम दो पॉइंट्स पे टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। एक हम ट्रिपल पॉइंट ले रहे हैं। अब जब ट्रिपल पॉइंट पे है तो हमें ये नहीं आइडिया कि उस टाइम पे पहले शायद पॉइंट जो है वो कहीं और एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन हीट एब्जॉर्ब या इजेक्ट करके हमने उस टेम्परेचर पे उसको लेके आए हो। तो ट्रिपल पॉइंट पे जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको Q1 से रिप्रेजेंट किए। हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है या रिजेक्ट भी हो सकती है। सो ये वो हीट है जो ट्रिपल पॉइंट पे एब्जॉर्ब हुई या इजेक्ट हुई। इसी तरह से Q2 वो वाली हीट है जो या तो एब्जॉर्ब हुई या उसको निकाला गया एट टेम्परेचर दिस वन T। सो इनको यहाँ पे Q भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे T को सिंपली T से मेंशन करें तो यहाँ पे Q से सिंपली मेंशन कर सकते हैं, और चूंकि हमने यहाँ पे इसको ट्रिपल पॉइंट को T1 से किया था तो यहाँ पे Q1 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो ये वो हीट है जो कि ये हमारे पास ट्रिपल पॉइंट पे होगी और ये किसी और टेम्परेचर पे जिस पे हम T पहले ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। चूँकि ये हीट है तो सेम इनकी वो होंगे, यूनिट सेम होंगे तो ये रेशियो में है, ये यूनिट और इसका यूनिट सेम है तो ये एक दूसरे के यूनिट्स को कैंसिल कर देंगे, और जो बाद में बचा वो फिर अगेन क्या बचा, टेम्परेचर का 273.16 केल्विन। इट मीन्स कि जो टेम्परेचर का यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे यूनिट वो केल्विन ही होगा, क्योंकि 273.16 केल्विन में है, और बाकी जो चीज़ है वो चूंकि हीट की रेशो थी तो रेशो में कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए जो टेम्परेचर का यूनिट है वो केल्विन में ही हम कैलकुलेट करेंगे थर्मोडाइनेमिक स्केल के अकॉर्डिंगली। और इस पूरे में जो हमारे पास MCQs बन रहे हैं, वो पहली बात ये है कि अगर हम थर्मोडाइनेमिक स्केल के थ्रू टेम्परेचर को फाइंड आउट करेंगे तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा फिज़िकल स्टेट से, चाहे वो कोई भी चीज़ है तो उसकी फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। सेकेंडली हमारा ये है कि अगर हम थर्मोडाइनेमिक स्केल भी ले रहे हैं तो क्या जो टेम्परेचर है वो हम किस यूनिट में मेंशन करेंगे, वो केल्विन ही होगा। देन हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पर तीनों जो हमारे पास फॉर्म हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, गैस भी, लिक्विड भी और सॉलिड भी एट ए टाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं। देन हमारा जो लास्ट वन है कि अगर आपने टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पे तो आप किस तरह से कर सकते हो, तो वो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है जिसमें T = 273.16 इंटू Q/Q1 आ जाता है, जिसमें हीट जो है हम ये स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि एब्जॉर्ब ही की है उस सिस्टम ने, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है और निकाल भी सकता है। सो दोनों पॉइंट्स पे चाहे वो एब्जॉर्ब करे चाहे वो निकाल दे, तो टेम्परेचर को हम इसी फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक।